नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आपका भी मेरा भी और उन सभी लोगों का जो इस समय एक बहुत तनाव वाले फेज से गुजर रहे हैं, आउटकम नहीं आ पा रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, घर में रह रह करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो रिजल्ट उतनी नहीं मिल पा रही क्योंकि मार्केट नहीं बन पा रही है। अभी उथल फुथल सी जिंदगी हो गई है। इस उथल फुथल भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ। दोस्तों, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। जो मैं ये बात बोलता हूं, ये जो मेरे शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, ये होते हैं परंतु मीनिंग अलग निकाल लिए जाते हैं। मैं बात आपसे करने वाला हूं कि कल रात को 11:57 से एक ऐसे ग्रह का मूवमेंट होने जा रहा है कि यदि उस ग्रह की कृपा, उस ग्रह की बुद्धिमता, उस ग्रह का विचार, शुद्ध विचार यदि हमने ग्रहण कर लिया तो निश्चित तौर पर कुछ राशियों के लिए जबरदस्त, उत्तीर्ण, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम लेवल के शुभ रिजल्ट मिलेंगे और कुछ के लिए थोड़े कम रह सकते हैं, मध्यम रह सकते हैं। मैं इस बात से कभी इंकार नहीं करता कि जो भी ग्रहों का फल मिलता है वो तभी मिलता है जब उस ग्रह को पावर मिलती है, चाहे वो पावर दशा अंतरदशा में मिले, चाहे वो पावर उसको ट्रांजिट में, गोचर में मिले, घटना तभी घटित होगी क्योंकि हर समय का एक हर घटना का एक समय निश्चित होता है। मित्रों, आप आज से 18 साल पहले पैदा हुए, आप 30 साल पहले पैदा हुए, स्वराशि के शनि में पैदा हुए, आप स्वराशि के बुध में पैदा हुए, आप स्वराशि के गुरु में पैदा हुए, या आप स्वराशि के मंगल में पैदा हुए, या आप स्वराशि के यहां पर शुक्र में पैदा हुए, किसी भी ग्रह का जब वो स्वराशि में पैदा होता है और जब घूमते 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 एक बार पुनः वही ग्रह इस सौर मंडल में अपनी ही राशि में पहुंच जाए, उसी सेम राशि में जिसमें आपने जन्म लिया, तो बताइए वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा? सोच करके देखिए एक बार को। अभी मैं अपने स्थान पर बैठा हूं, मेरा 15 दिन का रूट तैयार हुआ, भिन्न 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 एरियो से होकर के निकला। जब 15 दिन बाद वापस इसी ही स्थान पर लौटूंगा तो मैं मजबूत होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बताइए। बिल्कुल होऊंगा, मेरी ताकत बढ़ेगी कि मैं अपने स्थान पर आ गया। इसीलिए मित्रों, जब जन्म कुंडली के अंदर केंद्र स्थानों में, यानी कि 1, 4, 7, 10 या 5 और 9 इन हाउसेज के अंदर शुभ ग्रह स्वराशि के होकर के बैठे हों तो महापुरुष राजयोग को बना देते हैं। आप मिथुन राशि में पैदा हुए, मिथुन राशि बुध की होती है, आपका बुध मिथुन राशि में ही था बाय बर्थ, तो अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। अब आपके लिए राजयोग आ रहा है और वो राजयोग आ रहा है कल रात 11:57 से भद्र नाम का महापुरुष राजयोग शुरू हो रहा है। और साथ में सिर्फ भद्र तक मत रुकिए, युति संबंध हो जाएगा राहु के साथ में। मिथुन में राहु, मिथुन में ही बुध आएंगे, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। राहु का स्वभाव है कि जैसे ग्रह के साथ में बैठता है वैसा फल दे देता है। अभी तक अकेला है तो ज्यादा इतना फल नहीं दे पा रहा, दे तो रहा है अपनी इच्छा से, अपनी अपनी सामर्थ्यवान से, अपनी कैपेसिटी से, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होती है राहु की मिथुन, यानी कि उस मूल त्रिकोण का मतलब होता है प्रिय राशि। अब उस राशि में स्वयं बुध विराजमान हो रहे हैं, तो जिन जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में बुध राहु की युति होगी और मिथुन राशि में होगी, दोस्तों आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आपके लिए तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आर्थिक वृद्धि होगी। और जिनकी कुंडलियों में बुध राहु की युति नहीं है मिथुन में, किसी और राशि में है, तो उनको भी लाभ मिलेगा क्योंकि दोनों हुए तो एक, चाहे बैठ किसी और के घर में गए, मैं और मेरा मित्र दोनों इकट्ठे होकर के आपके घर में आकर के बैठ जाएं। आपके मित्र तो नहीं है या वो घर मेरा तो नहीं है, पर हम बैठ आपके घर में गए तो हमारा फिर भी मनोबल बढ़ा रहेगा क्योंकि हम दोनों आपस में मित्र हैं, बुध और राहु। इसलिए दोस्तों, यहां पर कुछ राशियां
बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगी इस दौरान इस स्वराशि के बुध में। बुध ग्रह यहां बलि हो जाएंगे, स्थान बलि हो जाएंगे। स्थान बल मिलते ही 6 बलों में से इनकी ताकत बढ़ेगी। जिन लोगों की मिथुन लगन होगी उनकी लगन में बुध बैठेंगे तो दिशा बल लेकर के बैठ जाएंगे, इनको दिशा बल मिलता है यहां पर लगन में। स्थान बल, दिशा बल, युति बल राहु का और भद्र राम का महापुरुष राजयोग। और एक और मैं आपको फली ज्योतिष का नियम बता देता हूं कि बुध राहु की युति के अंदर देव योग से धन की प्राप्ति होती है, अपार सफलता अचानक मिलती है। आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि क्या होता है जब यह युति बनती है बुध और राहु की, तो अकाउंट्स में सफलता मिलती है। जितने भी लेखा जोखा से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिजल्ट मिलते हैं पॉजिटिव, जबरदस्त। ग्लैमर से जुड़ी हुई चीजों से लाभ मिलता है। वकालत में, मेडिकल में, गणित में आपका व्यवहार ये बहुत कुशल हो जाता है। अकस्मात धन लाभ मिलता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य और उनके साथ व्यापार संबंध स्थापित करने का योग बनता है, और जिनके व्यापार में कमी चल रही है उनका व्यापार में उछाल आएगा, आपकी सर्विसेज में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों बहुत बढ़िया है ये समय। मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए ही मैंने ये एपिसोड बनाया है। अब कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनमें ये बहुत बेहतरीन फल देंगे, स्वय राशि के बुध भद्र नाम के महापुरुष राजयोग बना करके और बुध राहु का अकस्मात धन लाभ कौन सी राशियों को मिलेगा, इस पर आज मैं आपसे चर्चा करता हूं और चर्चा को प्रारंभ करता हूं। इसीलिए जो भी बातें मैंने अभी तक बताई ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक सुने, बहुत लाभप्रद चीजें बताऊंगा, उपाय भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्रह जो है हमारे को अपना शुभ फल यहां पर दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मंत्री पद प्राप्त करा होगा 18 साल पहले, उनको अचानक पुनः एक बार लाभ मिल जाएगा राजनीतिक। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 18 साल से, 30 साल से, 15 साल से, 5 साल से एक काम में लगे हुए लाभ नहीं मिल रहा, उनको हो सकता है यहां पर स्वय राशि के बुध लाभ देकर के चले जाए। इसलिए जो सबसे पहले, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी राशि रहेगी वो है वृष राशि और वृष लगन। आपके लिए आपके धन भाव पर ये योग बन रहा है बुध राहु का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बुध राहु के युति में आपकी वाणी के ऊपर जबरदस्त सरस्वती जी का वास होगा, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा भी वहीं रहेंगे। आपका पैसा वापस मिल जाएगा, रुका हुआ धन मिल जाएगा, आपकी बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी, कंपटीशन में भी सफलता मिलेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और पढ़ाई लिखाई में भी लाभ मिलेगा। और उससे एक और बड़ी बात कि मित्रों ये बुध की युति, ये राहु की तो युति है ही, और जब यहां पर सूर्य भी आकर के संबंध स्थापित करेंगे 14 तारीख को जून में, तब ये और बेहतरीन योग बन जाएगा। बुध है राजकुमार, सूर्य है राजा, राजकुमार पावर में आ रहा है, और राजकुमार भी यदि पावर में हो तो वो भी इस पूरे के पूरे सौर मंडल में अपना शुभता वाला प्रभाव छोड़ करके जाता है इस सृष्टि के ऊपर, क्योंकि बुध हरी चीजों का कारक होता है और ग्रीनरी हमेशा हमें शुद्ध एनवायरनमेंट को फील कराती है। पार्क में जाते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, हरा रंग पन्ना होता है, हरी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जो हैं वो बहुत जबरदस्त लाभ की प्राप्ति अब करने के जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत लाभ। और नेक्स्ट जो राशि है उनके लिए बुध राहु युति, बुध का स्थान बल, बुध का दिशा बल और बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, यानी कि आपके लिए सबसे जबरदस्त बुध यहां पर फल देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सुख साधनों को लेकर के लगन में बैठे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं और काम नहीं चल पा रहे, उनके डील क्रैक नहीं हो पा रही, कोशिश तो कर रहे हैं। क्लैरिकल जॉब में लाभ मिलेगा आपको, ज्योतिष चिकित्सा से लाभ मिलेगा, कंप्यूटर शेयर बाजार से लाभ मिलेगा आपको, लाइजनिंग से लाभ मिलेगा,
आपकी कूटनीति और आपके विज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, आपके प्रोफेशन से आपको लाभ मिलेगा, आपकी खोज बहुत अच्छी होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका स्वभाव भी चंचल होगा, आपके लिए तो बहुत बेहतरीन है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी वो राशि रहेगी जिनके लिए ये सबसे ज्यादा बेहतरीन फल देने जा रहे हैं मित्रों, तो वो है कन्या। कन्या वाले मेरी बात याद रख लें, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी, आपकी लगन के स्वामी बुध कर्म के घर में भद्र नाम का महापुरुष आयोजक बनाकर के बैठेंगे। बुध राहु का अकस्मात लाभ मिलेगा। जो लोग सस्पेंड होकर के जॉब से बैठे हैं, इस समय वायरस का प्रकोप चल रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही होगी, कुछ पे विजिलेंस की जांच चल रही होगी, कोई किसी ना किसी सरकारी महकमे में या सरकार से जुड़े हुए काम में उलझे हुए, रिफंड आने हैं, रिफंड नहीं आ पा रहे हैं, जीएसटी का पैसा आना है, नहीं आ पा रहा है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। कर्म मजबूत होगा, मेहनत से फल मिलेगा, बुध राहु आपको लाभ दे जाएंगे, बड़े लोगों से संबंध स्थापित करा देंगे, आपकी नीतियां सही तरीके से क्रियान्वित होंगी इस दौरान, इसलिए आप कर सकते हैं काम को, किसी कार्य की नींव भी अभी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मित्रों मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो है तुला। तुला वालों के लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग नहीं है, पर तुला वालों के लिए बुध राहु की युति भाग्य स्थान पर बैठ करके पिता से लाभ दे रही है, पिता के व्यवसाय से लाभ दे रही है, यदि आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ाएगी ये युति आपके लिए, और यहां से बैठ के आपके साहस पराक्रम को देखेंगे तो विल पावर को भी एनहेंस करेंगे। और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और इन दोनों के साथ में बुध और राहु की मित्रता है, इसलिए आपके लिए समय स्वयं राशि के बुध का बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आपको भी मैं अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नेक्स्ट राशि वो कौन सी रहेगी मित्रों, जो इसके बाद नेक्स्ट राशि आती है वो है धनु। धनु वालों के लिए मैरिज और साथ में प्रॉपर्टी, वाहन सुख, पॉलिटिक्स का सुख, रिश्तेदारों का सुख, सुख साधनों का बढ़ना, मां का सुख और निजी जीवन में पति पत्नी के संबंध, ये बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। जो आपके काम नहीं बन रहे थे, आप सोच रहे थे कि 3 महीने 4 महीने हो गए, बहुत क्लोज टू जाके काम रुक जाता है, बहुत क्लोज टू जाके काम रुक जाता है, वो आपका हो जाएगा। बुध राहु की यह युति आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना रही है, और ये बुध राहु की युति आपको आपके जीवन साथी से अचानक लाभ पहुंचा रही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इस योग की शुरुआत जो हो रही है वो स्वयं राशि के, ये चंद्रमा भी उस दिन से युति के अंदर विराजमान हो जाएंगे। आपके स्वयं वाणी के घर में तो बैठे ही हैं गुरु, तो गुरु तो आपको शुभता दे ही रहे हैं, और बुध राहु ने भी आपको भद्र नाम के महापुरुष राजयोग से रिजल्ट देना यहां शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी, तो नेक्स्ट जो इसमें बेहतरीन राशि मेरे अनुसार है वो है दोस्तों कुंभ। कुंभ के जो दर्शक हैं उनके लिए आपके संतान के घर में, आपके बुद्धि के घर में, आपके धन के घर में, आपकी वाणी के घर में, शेयर मार्केट के घर में, रिसर्च के घर में, अकाउंट्स के घर में, इंजीनियरिंग के घर में, उच्च पद प्रतिष्ठा के घर में स्वयं बुध राहु की युति बन रही है, और बुध स्वयं राशि को करके बैठ रहे हैं त्रिकोण में पंचम भाव में, आपके लिए इन सब चीजों में भी वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा तो देखिए कि सूर्य भी यहां पर 14 तारीख को त्रिकोण में आ जाएंगे। वृष राशि जो कि उनके शत्रु शुक्र की राशि है, सूर्य उसको छोड़ करके जब 14 तारीख को मिथुन में आएंगे अपने सम की राशि में, तो ये एक आदित्य राजयोग बन जाएगा बुध राहु का, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें भाग्यशाली राशि रहेगी दोस्तों वो है मीन। मीन के जो दर्शक है उनके लिए जो एक ग्रह गोचर बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, और भी सुख साधनों के घर में मिल रहा है, प्रॉपर्टी सुख और डील बन जाएगी। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी जमीन है, हमारी यहां पर है, बिक नहीं पा रही है, दाम कम मिल रहा है, ये सब चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी।
मां का सुख भी बढ़ेगा, ये सब चीजों से आपको लाभ आएगा, ये राजयोग आपको ऐश्वर्य देगा, ये राजयोग आपको चंचलता देगा, ये राजयोग आपके निजी जीवन को बेहतर करेगा, ये राजयोग आपका रिश्ता पक्का करा देगा, ये राजयोग आपके कैरियर को उठा देगा, ये राजयोग आपके कैरियर की स्टेबिलिटी लेके आएगा, आपका ट्रांसफर करा देगा, आपकी पदोन्नति करा देगा। दोस्तों इसके बाद एक राशि है जो राजयोग के लेवल का फल तो नहीं देगी परंतु उससे कम देगी, वो है मकर। मकर वालों के लिए छठे भाव में युति बन रही है तो पुलिस केस मुकदमे आपके दब जाएंगे, इनसे आपको निजात जरूर मिल जाएगी और स्वास्थ्य में आपके इंप्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों ये है बुध राहु की युति का प्रभाव, ये है बुध के स्थान बल का प्रभाव, ये है हंस भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का प्रभाव, ये है बुध जैसे ग्रह बलवान बुद्धि के कारक ग्रह, व्याख्याकर्ता ग्रह, स्पोक्स पर्सन ग्रह, स्पष्टवादी ग्रह, जल्दबाज ग्रह का प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। प्रयास तो ऐसे ही करता रहूंगा कि आगे भी और ऐसी ऐसी जानकारियां नई नई देते रहूं आपको। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हूंगा, अभी आपसे ज्यादा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपए में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपए वाली फुल डिटेल।